हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जब भी हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं या पॉलिटी पढ़ते हैं तो हमें ये पढ़ने को मिलता है कि इंडियन लोग पहले डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है। आज हम क्लियर करते हैं कि डोमिनियन स्टेटस है क्या। अगर डोमिनियन स्टेटस को मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ये क्या था कि जो ब्रिटिश एम्पायर था उसमें बहुत ज़्यादा कॉलोनीज थी। कुछ कॉलोनीज को उन्होंने स्पेशल राइट दिए हुए थे। स्पेशल राइट क्या था कि सेल्फ गवर्नमेंट थी, वो उन्हीं के लोग ऑपरेट कर रहे थे। जो ब्रिटिशर थे वो सिर्फ डिफेंस, कम्युनिकेशन या फॉरेन रिलेशनशिप देख रहे थे। इन तीन चीज़ों में वो खुद के कानून बना रहे थे, बाकी की सारी गवर्नमेंट जो है वो खुद उन कॉलोनियों के लोग वो ऑपरेट कर रहे थे। तो ये है डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस में आप इंटरनल मैटर है उसमें जो सेल्फ गवर्नमेंट ही रूल बनाएगी, बट जो एक्सटर्नल मैटर है जैसे डिफेंस, कम्युनिकेशन या फॉरेन रिलेशन, वो ब्रिटिश एम्पायर के पास ही रहेंगे। तो इस स्पेशल अरेंजमेंट को बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। अभी डोमिनियन स्टेटस में क्या था, जो 1926 में जो इंपीरियल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये बोला गया कि डोमिनियन कंट्रीज कौन होंगी। वो ऑटोनोमस कम्युनिटीज होंगी जो इक्विवेलेंट स्टेटस होंगी, वो किसी भी तरीके से एक दूसरे के सबॉर्डिनेट नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, डोमिनियन स्टेटस में ये दो कॉलोनीज आपस में सबॉर्डिनेट नहीं होंगी, सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर ही इनके ऊपर होगा। और जिन कॉलोनीज़ के पास डोमिनियन स्टेटस होगा वो क्या होगा, वो फ्रीली एसोसिएट होंगे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशन के एक अरेंजमेंट के तहत। जो 1926 की जो डेफिनेशन थी उसको 1949 में मॉडिफाई करा गया। अब क्या बोला गया कि जो भी कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप लेगा वो कोई ऑब्लिगेटर नहीं है कि वो ब्रिटिश मोनार्क को अपना सुप्रीम लीडर माने, ये उसकी मर्जी है मानना है या ना मानना। मोनार्क को एक्सेप्ट करा गया एज ए सिंबल ऑफ फ्री एसोसिएशन। इंडिया वॉज दी फर्स्ट कंट्री टू एंटर इन टू सच अरेंजमेंट, जो कि फ्री, टोटली फ्री इंडिपेंडेंट नेशन की तरह कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करने वाला इंडिया पहला कंट्री बना पूरे कॉमनवेल्थ नेशंस के बीच में। सो होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि डोमिनियन स्टेटस क्या है। डोमिनियन स्टेटस एक स्पेशल पावर है ब्रिटिश कॉलोनियों की, जिसमें वो सेल्फ गवर्नमेंट तो उनके लोग खुद चला रहे हैं, बट जो उनके फॉरेन रिलेशन है, डिफेंस है या कम्युनिकेशन है, वो ब्रिटिश एम्पायर कंट्रोल कर रही है। सो थैंक यू वेरी मच।